नहीं कुछ बिल्कुल नहीं, किसी में हम किसी भी जो भी एफ आई आर हुए हैं वो बिल्कुल हम पाक साफ हैं, उसमें किसी में हमारा कोई हाथ नहीं, किसी में हमारा कोई संबंध नहीं। मैक्सिमम जो एफ आई आर लगे हैं आप उनको देख सकते हैं, एक एफ आई आर तो हद है, एक एफ आई आर को अगर आप सुनेंगे तो हद लगेगा कि जयराम महतो का फोटो लगा था इसलिए एफ आई आर किए हैं। इन लोग के लिए बहुत मेजर धाराएँ थी, बहुत सेवरल सेक्शंस थे जिसमें मेजर सेक्शन 307, 353, 332, 333 ये सब धाराएँ मेजर सेक्शंस थी। इन धाराओं से जयराम को चुनाव लड़ने में कोई परेशानी हो सकती है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इन लोग का बेल ग्रांट हो चुका है, अब ये बेल से इन लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, बस इन लोग को अपने नॉमिनेशन पेपर में इन लोग का सही सही अपना एफिडेविट फाइल करना है। सिविल कोर्ट आना हुआ, किस केस के मामले में आए थे? 23 मार्च 2023 को 60-40 नियोजन नीति के विरोध में जो प्रदर्शन किया गया था पूरे राज्य में, जिसमें विधानसभा का घेराव का एक कार्यक्रम रखा गया था और जिसमें छात्र शांतिपूर्ण तरीके से ही विधानसभा के काफ़ी दूर में ही उन्हें रोक दिया गया था और उस दरमियान आंसू गैस इत्यादि, रबड़ गोली इत्यादि बहुत कुछ की बौछार भी की गई थी और साथ ही साथ कुछ फर्जी मुकदमे भी किए गए थे। चूँकि इस राज्य की आदत है हुक्मरान की कि जब ये स्टूडेंट के मूवमेंट को दबाने का प्रयास करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स पर फर्जी एफ आई आर किए जाते हैं, तो उसी के तहत एक मुकदमा किया गया था जिसमें आज हम लोग बेल के लिए आए, हमारे वकीलों के माध्यम से रितेश दाग उनके माध्यम से बेल के लिए अप्लाई किया था और हमें आज बेल मिला। तो माननीय न्यायालय का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं जिनके माध्यम से, चूँकि कहीं ना कहीं जो फर्जी केस लगाया गया था माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया कि भाई ये तो पढ़ने वाले छात्र हैं और ये इस प्रकार के मूवमेंट में तो अक्सर ये भाग लेते हैं या फिर अपनी बातों को रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई किसी प्रकार के असामाजिक लोग हैं। तो कुल मिलाकर हमारी जो आवाज़ है वो उसे दबाने का जो प्रयास किया गया था वो नहीं दबेगी और हम लोग जब जब इस प्रकार के लांछन या फिर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे हम लोग मजबूती के साथ फिर बाहर निकलेंगे। ये समय है क्योंकि समय कम बचा है, ऐसे समय में आप गांव घर में घूम गए, जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में कोर्ट कचहरी को भी मैनेज करना पड़ता तो कितना मुश्किल होता है? देखिए जब पॉलिटिक्स की बात आती है, राजनीति की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ता है। सही बात है, अभी हम लोग पूरी तरह से गिरिडीह लोकसभा को फेस किए थे और अपना जो भी समय हम लोग का व्यतीत हो रहा था वो गिरिडीह लोकसभा में ही हो रहा था, उसी बीच आज रांची वेल के माध्यम से निकाल कर समय आना पड़ा तो कहीं ना कहीं एक दिन का तो उस हिसाब से मानते हैं कि थोड़ा सा माइनस हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था, हम लोग इसे एक दिन को अपनी ऊर्जा से फिर बैकअप कर लेंगे। जनाब जी, जिस तरह से आप लोग बहुत सारे आंदोलन किए थे, आंदोलन के दरमियान बहुत जगह पे आप लोगों को धाराएं लगाया गया था, केस मुकदमा हुआ है, कितने मुकदमे से अभी तक आप राहत पाए हुए हैं? हाँ, कुछ मुकदमों से राहत मिली है और कुछ अभी भी न्यायालय के समक्ष बेल के लिए आवेदन दिया गया है और हमें उम्मीद है क्योंकि हम लोग किसी भी मुकदमे में ना हम लोग किसी प्रकार का आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, हम लोग तो पढ़ने वाले छात्र हैं, 2 साल के पूर्व भी हमारा उदय हुआ है राज्य में एक चेहरे के रूप में, तो हमारी कोई एक पढ़ने वाले एक साधारण सा कृषक परिवार का छात्र है, हमारा कोई बैकग्राउंड है नहीं ऐसा, तो केवल और केवल आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से ये केस अब पूरे राज्य के कुछ जिलों में किए गए हैं ताकि झारखंड पर कोई बात ना करे, कॉरपोरेट के खिलाफ कोई ना लड़े, आज जो जुल्म और सितम झारखंडियों के साथ हो रहा है, तो कुल मिलाकर हम लोग की अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ ही रखेंगे। ये होते रहेंगे, ये चूँकि आखिर वही अंग्रेज़ों की व्यवस्था को हमने अपनाया है, तो अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को इसलिए लगाया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भूमि अधिग्रहण करेगी तो उनको आसानी होगी, अगर कोई लोग आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ को दबाया जाए, तो ठीक उसी प्रकार जब हमारे हक अधिकार को छीना जाता है तो हम जब अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो फर्जी केस एफ आई आर सामने आते हैं। जयराम जी, जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के बाद अभी ट्विटर कैंपेन का भी आंदोलन, एक डिजिटल आंदोलन किया जा रहा है, इसके बीच में छात्र का किस तरह का समर्थन दीजिएगा? देखिए वो छात्र समर्थन क्या, वो तो हमारे ही लोग थे, देवेंद्र दा कौन है, हमारे साथी हैं। अब ये देखिए एक फेस पूरे राज्य में तो वन टाइम नहीं रहेगा आंदोलन में, आखिर जो लोग रांची में आंदोलन किए जेएसएससी जेबी केसेस के सम्मिलित रूप से, वे सभी शख्स जो 15 जिन पर एफआईआर हुआ, जिनके एफआईआर के बाद एसआईटी का गठन हुआ और फिर जांच में अवर सचिव समेत उनके पुत्रों समेत पेपर लीक में एक एक पेपर में 27 लाख का जो लूट का मामला सामने आया पेपर लीक में, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की देन है, तो हम लोग तो हमेशा साथ खड़े हैं, आगे भी साथ खड़े रहेंगे। अच्छा जयराम, जिस तरह से आंदोलन के दरमियान पेपर लीक जो विरोध था उनके कुछ कुछ लोगों के लिए पकड़ में आए, साथ में स्टूडेंट ये निराश है, हताश है कि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, बाकी अभी री एग्ज़ाम का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो सीबीआई जांच महत्वपूर्ण है कि एग्ज़ाम होना महत्वपूर्ण है? देखिए दोनों महत्वपूर्ण है,
देखिए अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट अपनी उम्र को क्रॉस कर रहे हैं, कई कई सालों से प्रतीक्षा करते हैं पेपर की, और जाहिर सी बात है उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो एग्ज़ाम का होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन CBI की जांच का भी होना इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर उन पर जांच नहीं होगा, उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तो बताइए एग्ज़ाम देने के बाद भी ये बच्चे क्या करेंगे, ये हमारे भाई या फिर हम ही लोग अगर एग्ज़ाम बैठेंगे तो क्या करेंगे। 27 लाख किस झारखंड की क्षमता है कि 27 लाख में अपने बच्चे के लिए किस सीट को खरीद पाएगा। तो CBI जाँच भी अनिवार्य है और परीक्षा का फिर तुरंत लिया जाना भी अनिवार्य है। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो क्या आपका ये सब जो धाराएं आपको लगाई गई है इसमें क्या चुनावी नहीं कुछ बिल्कुल नहीं, किसी में हम किसी भी जो भी FIR हुए हैं वो बिल्कुल हम पाक साफ हैं, उसमें किसी में हमारा कोई हाथ नहीं, किसी में हमारा कोई संबंध नहीं। मैक्सिमम जो FIR लगे हैं आप उनको देख सकते हैं, एक FIR तो हद है, एक FIR को अगर आप सुनेंगे तो हद लगेगा कि जयराम महतो का फोटो लगा था इसीलिए FIR किए हैं। अब मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी के नाम से अगर भारतीय जनता पार्टी और राहुल जी के नाम से कांग्रेस कहीं आंदोलन करती है तो उस बैनर में तो उनका फोटो होगा, तो बताइए ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ ऐसे में उनके नाम पर FIR होगा। तो ये मैंने बेतुका तर्क था, आप उस FIR को चार्जशीट को पढ़िएगा आपको भी हंसी आएगा कि पता नहीं एक साधारण सा लड़के के पीछे इतने लोग रगे हैं कि आज मैंने बेतुका तर्क के माध्यम से उन्हें FIR करना पड़ता है। झारखंड की राजनीतिक घटना के बारे क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस की गीता कोड़ा BJP में जा चुकी है। देखिए वहाँ चूंकि जो कोल्हान का जो क्षेत्र है वहाँ JMM ने अच्छा रिजल्ट किया है, तो JMM का प्रेशर था कि भाई वो गठबंधन की सीट पहले कांग्रेस की थी वो JMM में जाएगी, तो इसलिए जाहिर सी बात वो सीट हमें लग रही कि चाईबासा जो है वो JMM के पाले में जाएगा, इसलिए गीता कोड़ा ने जंप किया है क्योंकि उनको तो फिर MP है प्रेजेंट, तो वर्तमान में फिर वो BJP के उनका रास्ता बचेगा। जयराम जी जिस तरह से आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, हालांकि गिरिडीह में आपका जो तैयारियां हैं जो लोगों के बीच जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रहेगा। मैं सुनिए तारीफ नहीं करूंगा, मैं पूरे भारत की और झारखंड की राजनीति में पहला लड़का रहूंगा जो हर एक गांव तक पहुंचेगा एक लोकसभा में, हर एक गांव तक पूरे भारत के। अब देखिए दूसरे वो उनकी एक्टिविटी है, हमने इंटरनली उनको सजेशन कर दिया है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए भ्रमण कीजिए, लेकिन जहाँ तक हमारी बात है मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग अपने जोश से ही अगली जो पार्टियाँ हैं उनका सामना करेंगे, और शायद भारत के 74 साल के लोकतांत्रिक अगर 1952 से चूँकि हमारा पहला आम चुनाव 52 और ये 24 यानी आई थिंक 72 साल के इतिहास में पहला शख्स होगा जो पूरे लोकसभा के हर एक गांव तक पहुंचेगा, हर एक पंचायत तक पहुंचेगा, वह शख्स जयराम महतो रहेगा। माइक्रो लेवल पे कैसा तैयारी है, बूथ एजेंट हो जाएगा। देखिए इससे पहले हम लोग आप भी जानते हैं कि 50,000 की भीड़ में हमारी सभा होती थी, यही टाटी सिल्वे आज भी तस्वीर को देखते हैं, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग 20 लोगों के सामने हम सभा कर रहे हैं, तो माइक्रो लेवल की ही तैयारी है। अब हम लोग अपनी सभा को जहाँ 50,000 लोग सुनते थे वन टाइम में उसको हम 20 लोगों में अपनी स्पीच को दे रहे जा रहे हैं, तो माइक्रो लेवल की ही तैयारी है, छोटे सूक्ष्म तैयारी ही है वो। रांची लोकसभा में कैंडिडेट करने के कोई चांसेस दिख रहा है क्योंकि तैयारी तो देखिए ये रिपोर्ट जब रांची की टीम हमें प्रस्तुत करेगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग यहाँ कैंडिडेट घोषणा करने पर मैं सोचेंगे। देखिए वो तो निश्चय ही जो रांची में हमारे साथी हैं वो अपने गांव में जाएंगे, गांव के लोगों के बीच गांव की चौपाल में बैठेंगे, किसानों के बीच बैठेंगे, छात्र नौजवानों के बीच बैठेंगे, कामगारों के बीच बैठेंगे, और वहां से जो राय शुमारी छनकर सामने आएगी उस पर हम लोग अमल करेंगे। मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था लिस्ट? देखिए अभी किसी सेंट्रल पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं आया, तो जाहिर सी बात है हम लोग तभी नौ सीखिए हैं, समय लगेगा, हम लोग जल्द जारी करेंगे। लेकिन सबसे फास्ट आप ही लोग चल रहे हैं, बड़े बड़े पार्टी के लोग अभी तक कर भी नहीं पाएंगे, उसमें उतनी ऊर्जा भी नहीं है और ना ही उतना जिद है, वो तो अपने दिल्ली के भरोसे जीतते हैं चुनाव, वे लोग बाप के मैंने अपना इधर उधर से चुनाव जीतते हैं, हम लोग अपना बाई फेस अपने टैलेंट के दम पर चुनाव में है। पार्टी का स्टेटस ठीक ठाक है, अब 2-4 महीनों में रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के अंतिम समय आने की संभावना है, लेकिन विधानसभा में हम लोग मजबूती के साथ अपने पार्टी और सिंबल के साथ लड़ेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जयराम जी का जो आज केस था उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट से इन लोगों को 13 तारीख को बेल मिल चुका था, 13/2/2024 को जयराम महतो और मोतीलाल महतो, और आज इन लोग सिविल कोर्ट रांची में सरेंडर करने के लिए आए थे और बेल बॉन्ड अपना फर्निश करने के लिए, तो इसी दौरान आज इन लोग का बेल बॉन्ड एक्सेप्ट किया गया और इन लोग को बेल कन्फर्म किया गया। क्या क्या धाराएं लगी थी इनके ऊपर? इन लोग के लिए बहुत मेजर धाराएं थी, बहुत सेवरल सेक्शंस थे जिसमें मेजर सेक्शन 307, 353, 332, 333 ये सब धाराएं मेजर सेक्शंस थी। क्या
इन धाराओं से जयराम को चुनाव लड़ने में कोई परेशानी हो सकती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इन लोग का बेल ग्रांट हो चुका है, अब ये बेल से इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बस इन लोग को अपने नॉमिनेशन पेपर में इन लोग को सही सही अपना एफिडेविट फाइल करना है। थैंक यू।